हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा संगम का लेसन नंबर 4 सीखेंगे, ठीक है? भाषा संगम का लेसन नंबर 4, लेसन 3 तक हमने सीखा है, ठीक है? मैं आपको एक एक वर्ड पहले सिखाऊंगा, फिर वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस सीखेंगे। क्योंकि आप छोटे बच्चे हो इसलिए हमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है? ठीक है। तो आपने देखा अभी तक मैंने आपको बोला था व्हाट इज योर नेम, वो आपको समझ आता है ना? उस व्हाट इज योर नेम में 3 वर्ड्स है तमिल में, कितने वर्ड्स है? उंगल, पीआर, एन्ना। उंगल का मतलब है व्हाट, पीआर का मतलब है नाम, ठीक है? एन्ना मतलब तुम्हारा या यू आर। व्हाट इज योर नेम, आज हम सीखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। हमें सिर्फ उस सेंटेंस में एक ही वर्ड ऐड करना है, वो है स्कूल का, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि स्कूल को तमिल में पलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पलियन। तो अगर हम तमिल का सेंटेंस बनाएंगे किसको, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, हम बनाएंगे उंगल, पलियन, पीआर, एन्ना। उंगल हमने पहले ही सीखा है, पीआर भी पहले ही सीखा है, एन्ना भी सीखा है। तो सिर्फ हमने एक ही वर्ड ऐड किया, वो क्या था? वो क्या है? पलियन, ठीक है? शाबाश, अब हम इसको रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, उंगल, पलियन, पीआर, एन्ना। उंगल, पलियन, पीआर, एन्ना। शाबाश, दोबारा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, उंगल, पलियन, पीआर, एन्ना। अब हम इसको करेंगे ट्रांसलेट। द नेम ऑफ माय स्कूल इज गवर्नमेंट यूपीएस वांगाम, गवर्नमेंट यूपीएस वांगाम, ठीक है? इसको कैसे करेंगे? द नेम ऑफ माय स्कूल इज गवर्नमेंट यूपीएस वांगाम। नेम को हमें पता है क्या कहते हैं? उंगल नहीं, नेम को पीआर। शाबाश, स्कूल को मैंने अभी बोला क्या कहेंगे? पलियन, ठीक है? तो मेरे को क्या कहते हैं? एन, एन, एन मतलब मी, प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है? तो हम बोलेंगे एन पलियन पीआर गवर्नमेंट यूपीएस वांगाम, है ना? इजी, इजी है। तो एक बार इसको और रिवाइज करेंगे। शाबाश, द नेम ऑफ माय स्कूल इज गवर्नमेंट यूपीएस वांगाम। इसको ट्रांसलेट करो तमिल में। एन, शाबाश, पलियन पीआर गवर्नमेंट यूपीएस वांगाम। इतना समझ आया? थैंक यू।